बहुत टेस्टी ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री मैं बनाने जा रही हूँ बिस्किट से। आप कोई भी चॉकलेट बिस्किट यहाँ ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बिस्किट को निकाल लेंगे और अब हम हाथ से रफली इसको हल्का सा क्रश कर लेंगे। सारे बिस्किट के पीसेस को मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसका अब हम एक फाइन पाउडर ग्राइंड करके बना लेंगे। तो बोल में सारा हम क्रश्ड पाउडर निकाल लेंगे। अब हमें इसका बनाना होगा बैटर। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 1 कप दूध। सारा दूध एक साथ नहीं डालेंगे, हमें इसका एक रिबन कंसिस्टेंसी का, यानी ना बहुत ज्यादा गाढ़ा ना बहुत ज्यादा पतला, ऐसा बैटर तैयार करना होगा। और ये देखिए कुछ इस कंसिस्टेंसी का आपको बैटर तैयार करना होगा। देखिए रिबन कंसिस्टेंसी, ये जब आप इस तरह उठा रहे हैं तो ये नीचे गिर रहा है, ये देखिए। और इस तरीके की कंसिस्टेंसी का तैयार करने में जो मैंने 1 कप दूध लिया था उसमें से सिर्फ 3/4 कप ही दूध लगा है। सिंपल ऐसा पैन ले लीजिए, आप डालिए कुछ बूंद ऑयल की और इस तरह से हम पैन को पूरा चिकना कर लेंगे। अब मैं इस पर लगा रही हूँ 1 बटर पेपर। इसे लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है, वरना डायरेक्ट आप जैसे मैंने पैन को ग्रीस किया डायरेक्ट बैटर हम इस पर भी डाल सकते हैं। अब आप गैस पर कोई भी एक पुराना तवा ले लीजिए, लो मीडियम फ्लेम पर तवे को 5 मिनट बढ़िया से गर्म होने दीजिए। तो चलिए आ जाते हैं अपने बैटर पर। अब हम यहाँ हम डाल देंगे इनो फ्रूट सॉल्ट। अब जेंटली एक ही डायरेक्शन में इनो फ्रूट सॉल्ट डालने के बाद हम इसे इस तरह से कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे। तो चलिए अब जब हम इनो फूड सॉल्ट वगैरह डालते हैं तो उसके बाद हम बैटर को रखते नहीं है और पैन में सारे बैटर को हम इस प्रकार डाल देंगे। और इस तरह से पैन में डालने के बाद हम इसको हल्के से टैप कर देंगे। तो लीजिए तवा भी हमारा बिल्कुल बढ़िया गर्म हो गया है और अब लो फ्लेम पर इस प्रकार से हम अपने पैन को तवे के ऊपर रख देंगे और इस पर लगा देंगे एक ढक्कन यानी लिड। 15 मिनट के लिए बिल्कुल इसी प्रकार से हम इसको लिड लगा करके लो फ्लेम पर बेक करेंगे। और ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं, तो केक को चेक कर लेते हैं। वाओ, तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। एक लेते हैं नाइफ या टूथपिक और इस तरह आप डालकर देखें। देखिए बिल्कुल साफ हमारी पिक निकली है, इसका मतलब हमारा केक बिल्कुल रेडी है। मैं ले रही हूँ 1 बोल और बोल में हम लेंगे 1/2 कप व्हिप क्रीम। लेते हैं हम 1 इलेक्ट्रिक बीटर से बीट। इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच पाउडर शुगर और फिर से इसको बीट करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट स्टिफ पीक देखिए आ गए हैं। और साथ ही मैंने लिए ये कुछ चॉकलेट शेविंग्स। तो ये मैंने लिया है 1 दूध का पैकेट जिसको मैंने पानी से धो करके सुखा लिया था। तो एक लीजिए गिलास और गिलास पर इस तरह से, तो इसमें हम डालेंगे हमारी तैयार व्हिप्ड क्रीम। तो इसको हम पूरा भर लेंगे। यहाँ लगाएंगे 1 रबर बैंड। तो कोन हो गई इस तरह से रेडी। तो यहाँ लगा देते हैं 1 छोटा सा कट। केक हमारी ठंडी हो गई है तो हम इस तरह से इसको पलट देंगे। सुपर सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी मॉइस्ट और बहुत ही यमी। और अब हम अपनी केक को स्क्वायर पीस में पूरा कट कर लेंगे और अब हम अपनी केक को इस तरह से 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे। अब हम पहले पीस को लेंगे और अब हम अपनी क्रीम लेंगे और रेंडमली बस इस पे इस तरह से पूरा स्प्रेड कर देंगे। तो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चेरीज लगा देती हूँ। इसी तरह से भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। थोड़ी सी डाल देती हूँ इसके ऊपर चॉको चिप। अब इसके ऊपर जो हमने 2 सेकंड लेयर रखी थी अलग से, उसको हम लगा देंगे बिल्कुल इस तरह से। अब बिल्कुल इसी तरह से हम अपनी ये ऊपर की लेयर को भी पूरा व्हिप क्रीम से कवर कर देंगे। इधर की साइड को भी मैं पूरा क्रीम से कवर कर देती हूँ। और अब हम लेंगे हमारी चॉकलेट शेविंग्स और अपनी चॉकलेट शेविंग को रैंडमली जैसे चाहे वैसे सजा सकते हैं। तो इस स्टेज पर हम इसको करेंगे 3 भाग में डिवाइड। और अब मैं यहाँ पर एक बना देती हूँ हमारी देसी कोन से स्रिल। अब आएगा चेरी ऑन द टॉप, ये देखिए। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारी जबरदस्त वाली होममेड ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री, बिल्कुल मार्केट स्टाइल।